रावत अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके थे। दलाल यादराम का नेक्सस कैसे काम करता है और कैसी ये गैंग देश के सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में धांधली करता है, ये सब कुछ अब क्रिस्टल क्लियर था। लेकिन एक बात जो थी वो अभी भी जानना जरूरी था। सवाल नंबर एक, एग्जाम सेंटर कैसे मैनेज होता था। सवाल नंबर दो, क्या सभी सेंटर्स पर होती थी धांधली। इस नेक्सस का मुख्य सरगना कौन है। सवाल नंबर चार, कहां से संचालित होता है ये नेक्सस। बड़ा सवाल अब ये बन पड़ा था कि आखिर सेंटर्स मैनेज कैसे होते थे। ये काम दलाल यादराम करता था या फिर कोई और था जो पर्दे के पीछे से ये बिसात तैयार कर रहा था। देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए देश के सभी राज्यों में सैकड़ों सेंटर्स पर परीक्षा का आयोजन होता है। फिर अपने क्लाइंट के अभ्यर्थियों की सेटिंग कैसे करा पाते थे ये धांधलीबाज, आप खुद ही सुनिए। जैसे अपन ने ले लिया प्रिंट, ठीक है, ओके, ये प्रिंट प्लस ये अपन देंगे कंपनी, वो क्या करेंगे जो अपने कॉलेज मैनेज है ना उसमें सेंटर अलॉट कर, ओके, यानी कि अपन कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी कंपनी से जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ इसको देंगे। ये क्या करेगा जो अपनी मैनेज वाली कॉलेज है ना उसमें सेंटर अलॉट कर देगी डायरेक्ट, ठीक है। फिर सेंटर से एक घंटे पहले सोलविन हो जाएगा पेपर पारी, जैसे मॉर्निंग पारी में इवनिंग में दोपहर वाली पारी में लिखा एग्जाम, एक घंटे पहले सोलविन रेडी रहेंगे, खुद बच्चा जाएगा वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स को दे देगा, उसको अंदर चिट दे देंगे वो सॉल्व करके पहले से, वो आराम से करके ये एग्जाम शुरू होने से पहले पेपर भी आ जाता है कि पहले सॉल्विंग तो वो खुद करके खुद के पास रखेंगे। किसी भी भर्ती परीक्षा में जब भ्रष्टाचार का ये खेल होता है तो उसमें कोचिंग संस्थान और कंप्यूटर सेंटर्स की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहीं से अभ्यर्थियों की जानकारी मिलती है, यहीं से क्लाइंट मिलते हैं और यहीं से सारी खेल की पिच तैयार होती है। तस्वीरों में जिस दलाल यादराम को आप देख रहे हैं वो खुद राजस्थान के दौसा में पड़ने वाले लालसोट इलाके में अभिनव नाम से कोचिंग सेंटर संचालित करता है। इसके साथ साथ कई दूसरे कंप्यूटर सेंटर्स जो ऐसे ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन करते हैं वो धांधली करने में सबसे आगे हैं। आप खुद